लैंग्वेज ऑप्शन इन फेसबुक। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाले जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं इन सब की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अब हम लोग चलते हैं फेसबुक के लैंग्वेज ऑप्शन की तरफ और नोटिफिकेशन ऑप्शन की तरफ। मैं अपनी इस वीडियो में आपको लैंग्वेज और नोटिफिकेशन ऑप्शन की पूरी नॉलेज बता दूंगा फ्रेंड्स। देखिए लैंग्वेज ऑप्शन, जैसे मैंने लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये मेरे आपके सामने लैंग्वेज सेटिंग्स आ रही हैं। लैंग्वेज सेटिंग क्या है कि सबसे पहले देखिए, विच लैंग्वेज डू यू वॉन्ट टू यूज़ फेसबुक, आप जो भी लैंग्वेज फेसबुक में यूज़ करना चाहते हैं। वहाँ देखिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट कर रखी है, तो आप एडिट में जाकर लैंग्वेज को भी चेंज कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप यहाँ से वो स्टार्ट मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज को। नेक्स्ट, न्यूज़ फीड ट्रांसलेशन, जितने भी स्टोरीज़ फेसबुक पे अपलोड होती हैं, आप चाहते हैं कि वो जो स्टोरीज़ हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाए आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज में, तो आप यहाँ से उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं एडिट करके। जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है तो आप यहाँ से चेंज, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। विच लैंग्वेज डू यू अंडरस्टैंड, आप कौन सी लैंग्वेज आप समझते हैं, इंग्लिश हिंदी, जैसे मैं दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ तो मैंने इन्हीं दोनों लैंग्वेज को इंसर्ट किया हुआ है। अगर इसके अलावा आप कोई तमिल, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज आप समझते हैं तो आप वो लैंग्वेज इसके अंदर ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने पंजाबी लिखा, सेव चेंजेस। अब विच लैंग्वेज डू यू अंडरस्टैंड में आई हैव थ्री ऑप्शंस, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, तो आपके चेंजेस सेव हो जाएंगे। विच लैंग्वेज डू यू वॉन्ट टू ऑटोमेटिकली ट्रांसलेटेड, अगर आपको कोई और पोस्टिंग आती है किसी और लैंग्वेज के अंदर और आप चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाए आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज में, तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश लिखना चाहें इंग्लिश लिख सकते हैं, एडिट में जाके आप जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर आप ऑलरेडी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसको हिंदी भी सेलेक्ट कर देता हूँ तो सेव चेंजेस। अब मैं मेरी जो भी नोटिफिकेशन या जिस भी टाइप की पोस्टिंग मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे होगी वो मुझे ऑटोमेटिक इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। इसके बाद अगर मैं अपने फेसबुक के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस को यूज़ करना चाहता हूँ तो देखिए मैंने फिलहाल के लिए टर्न ऑफ किया हुआ है, बट अगर आप चाहते हैं कि अपने फेसबुक प्रोफाइल में आप मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करना चाहें तो आप सिंपली इस चेकबॉक्स को येस करके सेव चेंजेस कर सकते हैं। बट मैं सिंपली इंग्लिश में ही राइट करता हूँ तो इसलिए मैंने अपनी मल्टीपल लैंग्वेज का जो ऑप्शन है वो इंसर्ट नहीं किया हुआ। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स फेसबुक के नोटिफिकेशन ऑप्शन पे। देखिए जैसे मैंने नोटिफिकेशन पे क्लिक किया ये फेसबुक का नोटिफिकेशन ऑप्शन हो गया, और ये फेसबुक का सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए इसमें चार ऑप्शन आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ओन फेसबुक, ईमेल एड्रेस, डेस्कटॉप एंड मोबाइल, टेक्स्ट मैसेजेस। देखिए इनको आप कैसे वर्क करेंगे। देखिए जैसे अगर मैं ऑन फेसबुक पे हूँ, मैंने ऑल जितने भी मेरे नोटिफिकेशन है फेसबुक के वो मैंने सारे के सारे क्लोज किए हुए हैं। अगर मैं चाहता हूँ मेरे फेसबुक के जो नोटिफिकेशन है वो मुझे मेरी ईमेल आईडी पे या मेरे मोबाइल नंबर पे मिलते रहें टाइम टू टाइम, तो मैं एडिट में जाकर उसको यहाँ से सारे ऑप्शंस को ऑन कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जैसे अगर आप कोई बर्थडे का इनविटेशन आपके पास है, किसी ने कोई इवेंट क्रिएट किया है, या किसी ने आपको टैग किया है, या कोई आप पेजेस को मैनेज कर रहे हैं, किसी ग्रुप के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, कोई आपका जो फ्रेंड्स है जो लाइव वीडियो आपके सामने कर रहा है, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको आपकी फेसबुक के ऊपर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इसलिए अगर आप चाहें तो आप इस नोटिफिकेशन को ऑन भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसी के अंदर ईमेल एड्रेस। कई बार आपने देखा होगा कि फेसबुक की फेसबुक पे कोई भी टैगिंग हो रही है, कुछ भी आपके का कोई नई फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है, या किसी आपके फ्रेंड ने कोई स्टोरी अपलोड की है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो सारे नोटिफिकेशन आपको आपके ईमेल पर मिलते रहें तो आप इसको भी आप ऑन रख सकते हैं। नेक्स्ट, डेस्कटॉप और मोबाइल सम नोटिफिकेशंस। देखिए डेस्कटॉप एंड मोबाइल मीन्स जो भी आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जैसे मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको अगर टर्न ऑन कर दूंगा तो मेरे यहाँ लेफ्ट कॉर्नर के अंदर वो लेफ्ट सारे के सारे फेसबुक के नोटिफिकेशन मुझे डे बाय डे के हिसाब से मिलते रहेंगे, चाहे मैं फेसबुक पर ऑनलाइन ना भी हो। तो टेक्स्ट मैसेजेस फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशन का। अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर सारी एक्टिविटी की जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उन सारे के नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप यहाँ से आप चाहते हैं कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको आए या कोई और SMS आए वो चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं, या कमेंट्स या कोई भी ऑल अदर अगर SMS नोटिफिकेशन है आप उसको भी चेकबॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने फिलहाल के लिए इसको ऑफ किया हुआ है क्योंकि मोबाइल के ऊपर ऑलरेडी इतने मैसेज आते रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि टेक्स्ट मैसेजेस फेसबुक की तरफ से भी मेरे मोबाइल पे आए, तो मैंने इस सिक्योरिटी को ऑफ रखा हुआ है, सॉरी इस नोटिफिकेशन को मैंने ऑफ रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये था फेसबुक का नोटिफिकेशन एंड लैंग्वेज ऑप्शंस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।